हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है सचिन डे घरेलू देसी नुस्खे पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में फिर से नुस्खा लेकर आया हूँ मच्छर भगाने का। दोस्तों तो देखो, नुस्खे तो बहुत है मच्छर भगाने के। दोस्तों यहाँ पर आप मच्छरों को भगा भगा करके परेशान है। तो दोस्तों जो भी मैं नुस्खा बता रहा हूँ सब स्वदेशी है, देसी है दोस्तों। इससे आपका खर्चा भी बचेगा दोस्तों, और आप अपने घर के मच्छरों को भी भगा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों आज मैं क्या नुस्खा लेकर के आया हूँ दोस्तों जान लेते हैं। यहाँ पर आपको कोकोनट ऑयल लेना है, कपूर लेना है, एक तेज पत्ता लेना है, थोड़ा आपको कोलगेट लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कोलगेट से क्या मतलब है कि मच्छर आप भगा सकते हैं। तो दोस्तों कोलगेट से आप मच्छर किस तरीके से भगा सकते हैं, तो वो भी मैं तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मच्छरों को भगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1 चम्मच आपको क्या, 1 या 1.5 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल ले लें और उसमें 2 कपूर की टिक्की मिक्स करके डाल दें। डालने के बाद दोस्तों फिर आपको क्या लेना है, तेज पत्ता। आप एक आपके पूरी एक रात के लिए एक तेज पत्ता काफी है दोस्तों। उस तेज पत्ते पर आपको कोलगेट लगा लेना है, उस तरीके से कोलगेट लगाएं ताकि उस पे पूरे पत्ते पर फैल जाए। फिर उसके बाद उसे आपको धर दें पंखे के, उसमें जब वो सूख जाए, सूखने के बाद दोस्तों फिर जो आपने जो मिश्रण बनाया है बस उसको चम्मच से उसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों फिर उसे आप अपने कमरे पर दोस्तों माचिस लेकर के उसमें आग लगा दें। लगाने के बाद दोस्तों उसमें धुआं इतना उठना स्टार्ट हो जाएगा। जो कोलगेट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, कोलगेट का इसलिए प्रयोग हुआ है ताकि आपका जो तेज पत्ता है वो जल्दी से जले ना, तो वो धीरे धीरे जलेगा और आपका जो उसमें धुआं काफी मात्रा में उठने शुरू हो जाएगा, जिससे मच्छरों को यह धुआं बिल्कुल पसंद नहीं है और मच्छर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके कमरे से निकलकर भाग जाएंगे। दोस्तों यह है सबसे बेहतरीन तरीका, आप इसे भी करके देख सकते हैं। तो अगर जो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।